आपसे जुड़े रहे कुंदन पांडे, अब सिंगरौली से विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पांडे ने आपकी प्रत्याशी रानी अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम चुनाव में आज आम आदमी पार्टी के साथ कदम ताल मिलाने वाले सक्रिय नेता कुंदन पांडे ने मेयर रानी अग्रवाल पर आज तीखा हमला बोला है। कुंदन पांडे ने विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ कहा कि नगर निगम चुनावों के वक्त 2 दर्जन चुनावी वादे किए गए, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में आम आदमी पार्टी एक ही परिवार की बनकर रह गई है, रानी अग्रवाल आप पर हावी हैं। कुंदन पांडे ने कहा कि इस चुनाव में विंध्य जनता पार्टी से सिंगरौली विधानसभा चुनाव मैदान में उतरूंगा। यदि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो सभी औद्योगिक कंपनियों में 70% स्थायी लोगों को नौकरी दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, और मेरा वचन पूरा नहीं हुआ तो मैं सिंगरौली छोड़ दूंगा। ऐसे स्तंभ जिसके सहयोग से देवगढ़ स्वस्थ और स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, चाहे विधायक हो, जनता चुनने में सक्षम नहीं है। जब तक आप रास्ता नहीं दिखाएंगे सही, तब तक जनता सबकी स्थितियां परिस्थितियां आपके एक मार्गदर्शक है समाज का, और हम ये जरूर चाहेंगे कि आप लोग समाज को एक आधार दिखा दें, जिससे सिंगरौली में आए हुए 25 सालों से या 50 सालों से जब से हमको लगता है कि अगले जो भी विधायक चुने गए हैं उन्होंने सिंगरौली का काम नहीं किया, कई वर्षों पीछे चले गए, आप लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।